डियर स्टूडेंट्स, चलिए लोग चलते हैं फिर से नाइन्थ क्लास के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है साइंस में हम लोग बायोलॉजी चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि किसी भी सेल के जो फीचर होते हैं वो तीन ठो होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब उस तीन फीचर्स में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, यानी कि बहुत सारा एरो हम लोग लिखे थे, समझे भी थे। ठीक है, जिसमें हम लोग डिफ्यूजन को समझा था, ऑस्मोसिस को समझा था। चलिए उसी के आगे टॉपिक चेंज नहीं करना है, जो हम लोग टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिए हुए थे उसी टॉपिक का कुछ बच गया था तो आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो एरो देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एरो होगा, एरो देकर लिखेंगे। आप पहले उन चीजों को लिख लीजिए और फिर उन चीजों को लिखने के बाद हम आपको वो चीजें डेफिनेटली बेहद ढंग से आपको हम बता देंगे। चलिए लिखा जाए, ऑस्मोसिस इज द पासिस ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस इज द पासिस ऑफ द वाटर फ्रॉम अ रीजन रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। चलिए इसमें हम लोग क्या देखें कि ऑस्मोसिस में हम लोग ऑस्मोसिस क्या समझते हैं, तो ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ से, जैसे मान लिया मेरा हाथ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर वाटर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रखते हैं तो वो नीचे आने लगता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार होने लगता है, कौन, वाटर, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस वैसा प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर क्या हो, आर पार हो। राइट, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे कि ऑस्मोसिस में आर पार तो होता है लेकिन उधर ही होगा जिधर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर हम लोगों का वाटर का ऑस्मोसिस होता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, अगर मान लिया दोस्तों ये अभी हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बहुत ही पतला मेम्ब्रेन है और दोनों तरफ, यानी कि एक बर्तन में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ले लिया गया है, प्लाज्मा बहुत पतली झिल्ली है और इसमें एक वाटर को यहां तक भर दिया गया है, फुल कर दिया गया है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये यहां तक वाटर है। ठीक है, और एक में यहां तक, यानी कि बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इधर वाटर यहां तक फुल है और इसमें भी वाटर ही है लेकिन यहां तक है, तो अब यहां पे बोला जा रहा है कि यहां ऑस्मोसिस वाटर का होगा तो किधर होगा, तो हम लोग वही पढ़े कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर का क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, यानी कि यहां पे ज्यादा है हाई कॉन्सेंट्रेशन तो यहां से इसमें वाटर अभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि दैट इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये समझे कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर अगर एक्रोस होता है, आर पार होता है, तब हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है हमेशा याद रखना है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद नहीं रखना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना भाई, पाइप जो टंकी है, अब हम लोग छत पे क्यों लगाते हैं,
क्योंकि वो हाई से लो की ओर प्रेशर की वजह से हम लोग को ज्यादा प्रेशर मिलता है, जितना आप ऊपर ले जाएंगे उतना ही हाई प्रेशर से नीचे पानी आएगा। तो इसीलिए बोला गया कि ऑस्मोसिस में जो वाटर का प्रोसेस होता है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। चलिए, आप अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट एरो लेकर लिखेंगे, नेक्स्ट एरो लेकर लिखा जाए दैट सॉल्यूशन सॉल्यूशन का स्पेलिंग SOLUTION, दैट सॉल्यूशन कॉमा द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट एरो देंगे, द सेल विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर across the shell membrane is known as isotonic solution। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए that solution comma the cell will lose water by osmosis. It is known as hypertonic. चलिए, अब बहुत अहम सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग लिखें कि सर हाइपोटोनिक कब बोलेंगे, आइसोटोनिक कब बोलेंगे, हाइपरटोनिक कब बोलेंगे। तो यहां पे देखिए, तीन चीजें हैं और तीन चीजों को आप अच्छे ढंग से समझ गए तो हम लोग तीनों का डेफिनेशन समझ गए। सबसे पहले हम लोग अगर बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो किसी भी सेल का आउटर मोस्ट वाले जो पार्ट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन कहलाते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। अब अगर बात किया जाए तो ऑस्मोसिस क्या है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन से वाटर पास करता है, वाटर एक स्थान से दूसरे यानी उसके आर पार होता है तो हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अगर वाटर अक्रॉस होता है तो आप समझिए कि कहीं गेन होगा तो कहीं लूज होगा। जैसे अगर मानिए मेरे पास सौ रुपीज है और हम आपको कुछ पैसा दिए, 100 रुपए में से 20 रुपए आपको दे दिए, तो जब हम आपको 20 रुपया दे रहे होते हैं तो पैसा मेरे पास घटा कि बढ़ा, मेरे पास घटा, दैट इज लूज मनी, हम मनी लूजर कहलाएंगे और आप मनी को गैन किया, आप गैन कहलाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को। उसी तरीके से अगर वाटर का गेन होता है ऑस्मोसिस के द्वारा, हाइपोटोनिक कहलाएंगे, वाटर का अगर लूज हो जाए, वाटर लूज हो यानी कि वाटर की मात्रा कम हो, धीरे धीरे कम हो, उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहते हैं। यानी कि जैसे मान लिया हम पैसा आपको दिए, पैसा मेरे पास घटा, दैट इज हाइपरटोनिक, आप हो गए हाइपोटोनिक,
नाम है हाइपो, ये है हाइपर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन सर आइसोटोनिक क्या है? तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर पास ही नहीं करता है, वाटर जाता ही नहीं है, उसको एक्रॉस पार नहीं कर पाता है, तब वैसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ऐसा मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस द्वारा वाटर गेन हो, वाटर की मात्रा बढ़े, दैट इज हाइपोटोनिक, वाटर की मात्रा घटे, दैट इज हाइपरटोनिक, और वाटर अक्रॉस ही नहीं हो, यानी कि नो क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का कोई क्रॉसिंग नहीं हो, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक पार आर पार नहीं हो, तो हम उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। तो आइसोटोनिक का मतलब कोई अक्रॉस नहीं हो रहा है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और इसमें हम लोग क्या पढ़े, हाइपोटोनिक का मतलब हाइपोटोनिक में वाटर जो है गेन करता है, और हाइपरटोनिक में वाटर जो है लूज होता है, ठीक है। तो ये चीजें थी जिसको हम लोग को समझना जरूरी था। तो हम लोग तीनों के बारे में समझे, अगर वाटर आर पार नहीं हो आइसोटोनिक, अगर वाटर गेन करे हाइपोटोनिक, अगर वाटर लूज करे ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हाइपरटोनिक, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे अब जरा नोट में करके लिखेंगे फिर से। NOTE नोट में करके लिखेंगे कुछ बात, लिखा जाए नोट का फर्स्ट पॉइंट। नोट में दो तीन पॉइंट लिखेंगे, तो नोट का सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, वाटर वाटर क्रोसेज द सेल मेम्ब्रेन, वाटर क्रोसेस क्रोसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। दूसरा नोट का सेकेंड पॉइंट लेंगे, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नोट का थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट प्लांट्स सेल फाउंड टू गेन वाटर, थ्रू ऑस्मोसिस फुल स्टॉप। सो एब्जॉर्प्शन सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। चलिए अब हम लोग क्या सीखें कि वाटर जो यहां पे हम लोग अभी सीखे ना कि अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो वाटर यहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा,
अगर मान लिया कि किसी वक्त इसमें हम और स्पेशल ऊपर से पानी डाल दिए, अब पानी का मात्रा इसका ऊपर हो गया, तब ये प्रक्रिया क्या होने लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, यानी कि आपको जानना चाहिए कि ऑस्मोसिस में जो वाटर का क्रॉसिंग होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो बोथ डायरेक्शन में होता है, यानी कि राइट डायरेक्शन एंड उसका रिवर्स डायरेक्शन भी होता है। वो तो तय करता है कि किधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जिधर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उधर से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहां से हमें ये जानना चाहिए कि ऑस्मोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर क्रॉस आउट होता है वो बोथ डायरेक्शन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन किधर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर वो मूव करता है वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर दूसरा मैं क्या लिखे कि ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। जी, ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन का ही केस है और सेलेक्टिवली है। सेलेक्टिवली का मतलब एक उसमें से एक ऑस्मोसिस भी है जो डिफ्यूजन की तरह है। क्यों? क्योंकि सेल और इन्वायरमेंट के बीच एक रिलेशन को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम बोलेंगे कि ऑस्मोसिस में एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। और फिर लास्ट थ्री लिखे हैं नोट का थर्ड पॉइंट कि बहुत सारे ऐसे प्लांट सेल हैं जो ऑस्मोसिस में वाटर को गेन करते हैं, जैसे कि पौधे अपने जड़ों से क्या करती है, धरती से पानी सोखती है। तो धरती से जैसे पानी सोखती है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना, यानी कि मेनी प्लांटेड प्लांट्स सेल वो क्या करते हैं, वाटर को गेन करते हैं। किससे? तो बाय प्लांट रूट्स, यानी कि पेड़ पौधे अपने जड़ों से क्या खींचते हैं, वाटर को गेन करते हैं। तो वाटर को गेन करते हैं या फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो ये भी कहलाएगा। जब वाटर को गेन करते हैं तो हम लोग उसका नाम देते हैं क्या, हाइपोटोनिक। तो यानी कि यहां पे भी ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है। चलिए अब उसके बाद एरो देंगे, सिर्फ नोट में नहीं ऐसे ही, और ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, इसको वीवीआई कर दीजिएगा एरो को। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे एरो देकर लिखेंगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो के नीचे एरो देकर द फ्लेक्सिबिलिटी का स्पेलिंग FLEXIBILITY द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enable the cell to engulf in food मतलब भोजन and other materials from its external environment
फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉमा सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस एग्जाम्पल में लिख लेंगे. एग्जाम्पल अमीबा एक्वायर्स AQUIRES एक्वायर्स द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस. चलिए अब हम लोग सीखते हैं एक बहुत अच्छा बात. वो अच्छा बात क्या है और क्या हो सकता है जरा हम लोग पढ़ते हैं. तो अभी हम लोग क्या बोले कि सेल मेम्ब्रेन का बाहरी परत बाहरी भाग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सेल को बचाने के लिए हावी रहता है. हमेशा उसको बचाने के लिए एक रक्षक के तौर पे होता है. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, यानी जैसे मतलब उसको आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा. ठीक है. यानी कि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसमें एक गुण पाया जाता है कि अपना शेप को वो चेंज कर सकता है, अपने शेप को बढ़ा सकता है. ठीक है. और आपको याद रखना चाहिए कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना हुआ होता है, तो लिपिड एंड प्रोटीन्स का. यानी कि याद रखना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है. और दूसरी बात कि ये किसका बना हुआ होता है, लिपिड एंड प्रोटीन्स. ये एक कंपाउंड है प्रोटीन्स का, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है लिपिड और प्रोटीन्स. यानी कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किसका बना हुआ होते हैं, वो बना हुआ होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन्स का. और एक हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे एक अमीबा जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, यही कारण है कि जो अमीबा है अपना भोजन अपने शेप को चेंज कर उस अपना भोजन करता है. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर बनाएंगे, जैसे मान लिया कि ये एक अमीबा का शेप है. एक किसका शेप है? एक अमीबा है. ठीक है. और ये एक अमीबा है. अमीबा में एक न्यूक्लियस पाया जाता है. ये क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है. और इसका यहां पे बाहर इन्वायरमेंट में कहीं फूड रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है. अब क्या करता है ये अमीबा पता है? अपना चूंकि उसका तो सेल फ्लेक्सिबल होता है तो ये क्या करता है, चूंकि देखा कि भोजन इधर है तो ये क्या किया, अपना शेप को चेंज किया. यानी कि भोजन यहां है, ये फूड है, लेकिन ये इसको इस तरीके से देख पा रहे होंगे क्या किया, ये अमीबा धीरे धीरे उस फूड को अपने फ्लेक्सिबल होते हैं ना उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या किया धीरे 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 उस पार्ट को, उसको फूड वही है सिर्फ अपना जो ये शेप है ना सिर्फ इस शेप को बढ़ा लिया और धीरे धीरे क्या कर लिया, तो ये जो अमीबा है वो अपने अंदर इस फूड को जब्त कर लिया. तो इस तरीके से हम यहां पर लिखवा है कि अमीबा में फूड
यानी कि किसी भी भोजन करने का प्रोसेस ऐसा ही कुछ होता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता तो यहाँ पे जिस भोजन के पास अमीबा पहुंच नहीं पाता, वो कैसे पहुंच पा रहा है? अपना शेप को चेंज कर दे रहा है, जिधर भोजन मिल रहा है उधर उसको अंडर में कर ले रहा है डायरेक्ट। अगर मान ले फूड इधर होता तो अपना शेप इधर वाला बढ़ाता, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमीबा में इसी प्रक्रिया द्वारा, इसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, तो भोजन बनाते हैं अमीबा। तो अमीबा का ये फूड चैन था कि अमीबा भोजन कैसे बनाते हैं, वो कैसे करते हैं। तो ये इसी तरीके से करते हैं ड्यू टू फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने की वजह से ऐसा फूड रिसोर्स करते हैं अमीबा। तो अमीबा का ये फूड जो रिसोर्स है, फूड चैन है, तो आप इसको जरूर फिगर में बना दीजिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। फिर अगले दिन हम लोग, चूंकि एनसीईआरटी के बीच में फिर से क्वेश्चन हम लोगों को मालूम पड़ गया है, आ गया है इतना चीजों को सीखने के बाद, तो एनसीईआरटी के जो बीच का क्वेश्चन है उसको हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।